डंडई थाना क्षेत्र के बौलिया गांव में कई मृत व्यक्तियों के एडीबी गढ़वा बैंक खाते से बैंक दलालों के द्वारा लाखों रुपए की निकासी करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक मृत महिला के पति ने स्थानीय थाना में शिकायत की कि मृत महिला के पति भुक्तभोगी ग्राम बौलिया निवासी बनारसी पासवान ने बताया कि उनकी पत्नी फुलबसिया देवी की मौत करीब 4 साल पहले हुई थी, जिसका एडीबी बैंक गढ़वा में खाते किसे गांव के ही दो बैंक दलाल सादिक अंसारी और सोबराती अंसारी के द्वारा 31,000 की अवैध निकासी की गई है। आगे पैसा निकासी को लेकर भुक्तभोगी बनारसी पासवान और उसका नाती भरटूल पासवान ने दोनों दलाल पर आरोप लगाते हुए बताया कि दोनों बैंक दलाल घर आकर मृतका का बैंक बैलेंस चेक कराने की बात कहकर आधार कार्ड मांगने लगे, फिर नया पासबुक बनवा लिया और उस पर दूसरे बुजुर्ग महिला का फोटो चिपकाकर उसी को बैंक में खड़ा करके अवैध तरीके से पैसे की निकासी की गई। वहीं मामले में आरोपी सादिक ने बताया कि मृत महिला के नाती भरदूल पासवान सिर्फ आधार कार्ड दिया था, पैसे की निकासी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। मामले में थाना प्रभारी अवधेश कुमार यादव ने बताया कि संबंधित मामले में आवेदन मिला है, जाँच पड़ताल कर कार्रवाई की जाएगी। उनका मृत्यु हो गया, उनका हम नाते हैं कि हमारा नाना है, ठीक है, जिसमें कि 36,512 रुपया था, चेक करवा के देख रहे हैं तो बता रहा है कि 5,512 रुपया है। हम कह ना जी पैसा का हो ले, तो सदीक बोल रहा है कि सोबराती निकल ले हो, सोबराती से पूछा थी तो सदीक निकल ले हो, आखिर बताइए कि दूगो मिले कौन निकाला, दूगो के दूगो तीसरे का हम देवे नहीं किए थे, बस यही बात है वो पूछने का सर। आप क्या चाहते हैं बताइए? अब हम यही चाहते हैं कि थोड़ा सबक सीख जाए, उससे पैसा हमको नहीं चाहिए, पैसा जो है वो निकल, हमको पैसा नहीं चाहिए, मगर उन लोग के कुछ कार्रवाई किया जाए। तो उसके लिए आप कहीं आवेदन भी दिए हैं? आवेदन आवेदन मेरे पास है, अभी हम थाना में जाएंगे। अब 10,000 रुपया बताइए राति कौन हिसाब से दे रहा है, जब निकलवे नहीं किया है सर। अच्छा, तो फिर 10,000 रुपये भी दे भी रहा है अभी भी।